हेलो फ्रेंड्स, सविताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू मटर की सब्ज़ी के लिए हमें लगेगा 2 बड़े प्याज, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 2 से 4 आलू, आप जैसे भी लेना चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं, 8 से 10 हरी मिर्ची, 2 से 3 टमाटर, 1 कटोरी मटर और हरी चटनी लिए, मुझे हरी चटनी बहुत अच्छी लगती है, और जीरा, गरम मसाला, कुछ काली मिर्ची, लौंग, हींग, रेड चिल्ली, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और 2 तेज पत्ते। अब चलिए हम इन मसालों को काट लेते हैं। प्याज को काटेंगे हम, पहले ये निकाल देंगे और बड़े बड़े स्लाइस में ऐसे ऐसे। प्याज हमारी कट गई है, सेम साइड से रख देंगे। अब हम हरी मिर्ची काट लेंगे, वो भी हम बड़े बड़े पीसेस काटेंगे, छोटे नहीं काटना हमें, बड़े काटना है। मिर्ची हमारी कट गई है, अब हम टमाटर काटेंगे, वो भी हमें बड़े बड़े स्लाइसेस में काटने, जैसे हमने प्याज काटा था इस तरह। प्याज हमारी सॉरी टमाटर मेरे कट चुके हैं, लहसुन को हम ऐसे ही ले लेंगे। अब इसको हम तलते हैं, गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे। 1 बड़ा टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम ही डलेगा। अब हम लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्ची और प्याज। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक मिनट तक इसको हम भून लेंगे, पूरी तरीके से नहीं भूनना, थोड़ा ही भूनना है, फिर इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। जब तक ये हमारी भून रही है, तब तक मैं आलू कट कर लेती हूँ। जी मेरे आलू मैंने पहले ही धो के इसको धो लिया था और छील लिया था। अब इसे हम ऐसे कट कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, सारे आलू अपने कट कर लें ऐसे। मेरे सारे आलू, प्याज हमारी हो गई है, अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी गल जाए, ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधी चम्मच हम मिला देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे पका लेंगे ताकि हमारे ये टमाटर है ना ये गल जाए। देखिए हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल गए हैं, हमारा ये रेडी हो गया। अब इसे हमें पीसना है, तो जब तक हम इसे ठंडा होने देंगे, गर्म हमें नहीं पीसना चाहिए, कभी भी जार में फटने का डर लगता है। जार हमारी धीरे धीरे भी ठंडी हो चुकी है, अब इसे हम पीस लेंगे। इसे हम जार में डाल देंगे, ध्यान रखना ये ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। इसे हम पीस लेंगे, ग्रेवी हमारी पीस के रेडी हो गई है। अब हम सब्ज़ी बनाएंगे, हम कढ़ाई रख लेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे। अब इसमें हम 3 से 4 बड़े टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब तक हमारा गर्म हो रहा है, देखिए तेल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम 1 चुटकी हींग डालेंगे, तेज पत्ते, कुछ काली मिर्ची और लौंग, जीरा, ये हमने मसाला जो ग्रेवी बनाई थी वो, इसे हम चला देंगे। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको हमने सेक लिया, मसाला ऐड कर लिया। अब इसमें हम 2 चम्मच धनिया डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, इसे हम सबको मिला लेंगे।
मसाला भूनने के लिए हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये मेरा वही पानी है मसाले वाला। अब इसमें हम मटर के दाने डालेंगे, ये फ्रोजन मटर है, इसको हम मिला देंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट भूंज लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भूंज गया है, देखिए आप, देखिए। इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है। ला लेंगे इसे हम, इसमें हमने जो आलू है काट कर रखे थे उसे हम डाल लेंगे। इसे हम फिर चलाएंगे, उसे 1 मिनट तक और भूनेंगे। 1 मिनट हमें और लगेगा भूनने के लिए, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 मिनट हो गया है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसे हम फिर चलाएंगे। अब इसको 3 से 4 मिनट हम इसे उबलने देंगे। इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक हमने पहले भी डाल दिया था, इसलिए हम कम ही ऐड करेंगे, मिला देंगे इसे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। अभी हमारी सब्ज़ी सही तरीके से बनी नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा, इससे हम 2 मिनट और चला लेते हैं। सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसमें हम धनिया डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है सब्ज़ी में। इसे हम पूरी, चपाती, चावल के साथ खाएंगे, बहुत अच्छी लगती है। सब्ज़ी हमारी सारी रेडी हो चुकी है, इसे हम गरम गरम पूड़ियों के साथ खाएंगे।